नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। जब देखा जाता है तो दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है पटना साहिब रेलवे स्टेशन। पटना साहिब इसलिए नाम पड़ा कि तख्त श्री हरमंदिर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली है। पटना सिटी के नाम से विश्व विख्यात है, पटना साहिब के नाम से। मैं इसीलिए अजूबा कह रहा हूँ ये स्टेशन, कि यहाँ पर जितने यात्री जो सफ़र करते हैं वो चेयर पर वेटिंग रूम में नहीं बैठकर ऐसी प्लेटफॉर्म के ज़मीन पर लोग बैठते हैं। बैठने के लिए मजबूर किया है रेलवे प्रशासन ने। जब देखा जाता है तो DRM साहब जब आते हैं तो बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है, एक एक चीज़ मुआयना किया जाता है कि कहाँ टूटा है, कहाँ फूटा है, कहाँ रिस रहा है, कहाँ दरारे है, कहाँ नल का पानी टपक रहा है और कहाँ ठहरने का जहाँ पर वेटिंग है वहाँ पर सुविधा है या नहीं। तमाम तरह की सुविधाएं देखकर जाते हैं और दिशा निर्देश देते हैं कि अवलंब इस चीज़ को दुरुस्त किया जाए, लेकिन उनके जाते ही वही पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं। अपना पटना साहिब स्टेशन जो पैसेंजर जो दिल्ली का जो सफ़र करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट है, हम इनसे विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर आज तक मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिली है। चलिए मेरे साथ। वेटिंग मैं भी देख रहा हूँ, मैं 10 साल पहले भी देख रहा था जब मैं यहाँ से फतुहा से पटना अप डाउन किया करता था, और अभी भी देख रहा हूँ। ठीक ठाक, सुधार है, लोगों पर है, लोगों से आप देखिए, आप देख ही रहे हैं बैठने की जगह किधर है, लोग किधर बैठे हुए हैं। आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ठीक होगा। अच्छा, मैं भी बाहर ही रहता हूँ, मैं भी दिल्ली रहता हूँ, मैं भी बिहार में ही 2 साल से देख रहा हूँ। टाइम ट्रेन ठीक है, क्या समस्या है? समस्या तो है कि ट्रेन का समस्या है, 10 बजे के बाद आदमी 3 बजे तक बैठा रहता है, 3 बजे से पहले कोई गाड़ी नहीं है, सवारी गाड़ी है ये नहीं है, सवारी गाड़ी भी है तो सवारी गाड़ी रोक के मालगाड़ी निकल रहा, सवारी ऐसी बैठा रहता है। हमारे क्या यहाँ पर क्या सुविधा है सर? यहाँ पे तो मेरे को कुछ भी सुविधा फिलहाल अभी दिखाई नहीं दे रही है, जैसे लेडीज टॉयलेट नहीं है, ना पीने की पानी है, और पैसेंजर ट्रेन भी बहुत मतलब कि ये होती है सर, लेट आती है या फिर बहुत कम, आफ्टर 10 बजे के बाद 10 AM के बाद इधर ट्रेन ही नहीं है सर डाउन में। मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार अवस्थी हुआ। बताइए क्या सुविधा है? सुविधा के नाम पर एक कहावत है कि कापर करूँ सिंगार पिया मुरे आंदर, ये पटना साहिब है, क्योंकि एक ट्रेन के लिए भी आदमी यहाँ तरस रहा है कि पटना धनबाद इंटरसिटी यहाँ रुके, पैसेंजरों का संख्या बढ़े, पैसेंजर ट्रेन बढ़े, उसकी सुविधा नहीं है। यहाँ बिल्डिंग कब गिर जाएगा, किसके शरीर पर, कई यात्रियों पर गिर चुका है, चू रहा है, पूरे जर्जर स्थिति में है, हम किस पर बात करें? टिकट संग्राहक यहाँ TT पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, आज 6 महीना से यहाँ TT नदारत है, उसे वापस ले लिया गया है, ये कौन सा बात हो रही है? पिछले दिनों DRM आए थे तो उन्होंने कहा था कि हाँ आपका रिटायरिंग रूम खुल जाएगा, बन जाएगा, आज वो भी नदारत है। एक सिर्फ उन्होंने एक काम किया कि आरक्षण जो बुजुर्ग लोग विकलांग लोग ऊपर जाने में दिक्कत था वो नीचे आया, बाकी देख लीजिए। ऐसा मैंने देखा जाए कि ऐसे पौराणिक स्टेशन, धार्मिक स्टेशन, व्यवसायिक स्टेशन, ऐतिहासिक स्टेशन उपेक्षित का शिकार हो रहा है, कहीं बैठने का जतन नहीं है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, पानी उसी तरह से प्लेटफार्म पर आ रहा है, कब कहाँ गिर जाएगा, कब कहाँ लोगों के शरीर पर छत गिर जाएगा, पानी टपकता है चारों तरफ, कहाँ जाएगा यात्री? सिख यात्री नहीं आते, जैन धर्म वाले नहीं आते, क्या हो रहा है? इस पर विचार करना होगा, और ये जर्जर स्थिति के दोषी रेल अधिकारी और यहाँ के सांसद और प्रतिनिधि हैं। रमेश कुमार। अच्छा, कहाँ कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, घर जा रहे हैं। पढ़ाई करते हैं जी, मेडिकल। यहाँ सुविधा कैसा है? सुविधा बहुत, पूरा भी बैठे हुए थे कुछ देर पहले स्टेशन पर आए थे, पूरा कचरा भरा हुआ था, साफ़ सुथरा नहीं है, बहुत गंदा था, अभी आपके आने से पहले ये कुछ भी साफ़ कर रहा है, नहीं तो पहले साफ़ नहीं था, और पंखा एक दो लगा हुआ है, इधर से पूरा गर्मी आ रहा है, स्टेशन कुछ सुविधा नहीं दिख रहा हमको। क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि जो सरकार की तरफ से फंड दिया जाता है रेलवे स्टेशन वाले को, उसके जो रेलवे मास्टर हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, साफ़ सफाई करवाना चाहिए प्रॉपर। उसके बाद लाइट वगैरह है लेकिन ये जला नहीं था, है ना, अभी आप लोग में से कोई जलाए हैं इसको? उसके बाद फैन देख लीजिए, एक यहाँ लगा हुआ है, एक उस साइड लगा हुआ है,
इधर भी होना चाहिए था, इधर भी होना चाहिए था, पसीना चल रहा है पूरा, है ना। फैन का जब दिया गया है हर एक जगह, हर एक जगह फैन होना चाहिए था। फैन रहेगा आदमी को, अभी का गर्मी का टाइम है, कितना ज़्यादा पसीना चलता है, थक के आता है कि आराम करेंगे थोड़ा सा, है ना। अब हवा नहीं आएगा तो क्या आराम करेगा, है ना। पैसेंजर है वो खुद रो रहे हैं, लेडी टॉयलेट की सुविधा नहीं है, पीने का पानी नहीं है, पंखा नहीं है, बैठने की बेहतर सुविधा नहीं है। जब अजूबा स्टेशन में, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ देखिए तमाम लोग ज़मीन पर बैठे हुए हैं। ये पहला पटना साहिब रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म है कि लोग ज़मीन पर बैठने के लिए मजबूर हैं। अब डीआरएम साहब जो हैं वो घोषणा करते हैं और तमाम तरह के घोषणा के बावजूद यहाँ पर जस के तस है। मैं तमाम यात्रियों से और ख़ास करके मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, डीआरएम साहब चाहे फिर देश के रेल मंत्री, ऐसी मूलभूत सुविधाएं नहीं चाहिए ताकि जो समस्या बरकरार रहे। SSITU आप देखते रहिए, लाइक कीजिए।